फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड सेल्फ केयर पर। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। जैसा कि आप पता है कि आजकल मैंने अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं आपको फल, सब्जी एवं मसालों के औषधीय उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हूँ। इसी सीरीज में आज मैं आपके लिए लाई हूँ बथुआ की भाजी के कुछ औषधीय गुण। बथुआ की भाजी से हम सभी परिचित हैं, यह सर्दी के मौसम में आती है तथा यह बहुत सारे औषधीय गुणों का खजाना है। जिन भी लोगों को भूख न लगती हो अथवा खाने का पाचन देर से होता हो, कब्जियत रहती हो, खाने के बाद खट्टी डकारें आती हों, उन लोगों के लिए बथुआ बहुत ही लाभकारी होता है। ऐसे लोगों को नियमित रूप से बथुए का सेवन भाजी के रूप में करना चाहिए। इसके सेवन से उनकी पाचन संबंधी समस्याएँ दूर होती हैं। गठिया रोग, लकवा आदि में भी बथुए का सेवन बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। जिन लोगों को भी मुख से दुर्गंध आने की समस्या हो, पायरिया हो अथवा दांतों से जुड़ी अन्य समस्याएं हो, उन सभी को बथुआ की पत्तियों को कच्चा चबाकर खाना चाहिए। इससे उनकी मुख की दुर्गंध, पायरिया अथवा दांतों से जुड़ी हुई अन्य समस्याएं दूर हो जाती हैं। बथुआ हमारे आमाशय को बहुत ताकत देता है। इसके नियमित सेवन से जिन लोगों को भी किडनी स्टोन है उनको लाभ प्राप्त होता है तथा किडनी स्टोन बढ़ता नहीं है। बथुए की भाजी में आयरन, पारा, सोना, क्षार बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके नियमित सेवन से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है तथा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी स्ट्रांग हो जाती है। जिन लोगों को भी स्किन डिजीज हो, उन्हें बथुओं को उबालकर रस पीने से, सब्जी बनाकर खाने से बहुत लाभ होता है। खुजली, फोड़े, फुंसी आदि समस्याएं जड़ से दूर हो जाती हैं। यदि छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हो, तो उन्हें कुछ दिनों तक बथुआ खिलाया जाए तो उनके कीड़े जड़ से समाप्त हो जाते हैं। और जिन बच्चों को पेट दर्द रहता है उनके लिए भी ये बथुआ बहुत लाभप्रद है। इसके नियमित सेवन से हमारा रक्त संचार अच्छे से रहता है तथा अगर यदि इसको नीम की पत्तियों के साथ नियमित रूप से खाया जाए तो यह पीलिया के रोगियों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। तो ये थे बथुआ के कुछ औषधीय गुण। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें, इसलिए इस वीडियो को शेयर करें। आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।